अंबरी 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 जुल्फ वाला हमारा नबी। ये कलाम मैंने पढ़ा है, बहुत इंकलाब के साथ सुना गया है। मैं अपने अपने लोगों के दरमियान पढ़ रहा हूँ, आपको पढ़ना है मेरे साथ साथ। अंबरी जुल्फ वाला जिसका नबी है उसकी आवाज बुलंद हो जाए। अंबरी जुल्फ वाला जिसका नबी है उसकी आवाज बुलंद हो जाए। अंबरी जुल्फ वाला अंबरी जुल्फ वाला अंबरी जुल्फ वाला। अभी किसी नेता की रैली हो सबसे तेज आपकी आवाज निकलेगी कि नेता जी देखे मैं उनकी रैली में शिरकत मैंने किया था। ये हुजूर की महफिल है, इस अकीदे के साथ बैठे कि हुजूर तशरीफ लाते हैं। जरा दिल की आवाज से अंबरी जुल्फ वाला अल्लाह और बुलंद कर दे। अंबरी जुल्फ वाला रोशनी का हवाला अंबरी जुल्फ वाला हमारा नबी। रोशनी का हवाला हमारा नबी। गैबता कमली वाला हमारा नबी। सबसे औला बाला हमारा नबी। सबसे औला बाला हमारा आलम का दूल्हा हमारा नबी। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है और जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा। और ख्वाजा पिया ने ऐसा डंका बजाया रसूल का लगवाया उनसे भी नारा। माशाल्लाह ये बुजुर्गों के कलाम है और ये मेरे आला हजरत सरकार का लिखा हुआ कलाम है। मैं एक शेर पढ़ के जा रहा हूँ और ये बहुत मशहूर शेर है। ये यूं कह लें हासिल कलाम शेर है आला हजरत सरकार का। मैं आपके दरमियान रखूंगा, आप फैसला कीजिएगा आप किस तरह सुनते हैं। जमील भाई पेश कर रहा हूँ, मुलायजा फरमा लें। अंबरी जुल्फ वाला हमारा नबी। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए। भी खिलेने मदीने चले जाइए। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए। भी खिलेने मदीने चले जाइए। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए। भीख लेने मदीने चले जाइए। 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 मुझे नहीं मालूम आप कब बोलेंगे लेकिन मैं रसूलुल्लाह की तारीफ कर रहा हूँ। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए। भीख लेने मदीने चले जाइए।
इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत कलाम आला हजरत नूर अली नूर कानपुरी। देखिए ये मेरा अपना प्लेटफार्म है। हाँ माशाल्लाह अभी आपके प्लेटफार्म तक भी मेरी ट्रेन पहुंचेगी अगर आप चाहेंगे, वरना ट्रेनें रद्द बहुत हो रही मौसम के एतबार से। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा उस प्लेटफार्म तक भी पहुंचूं जहां आप जा रहे हैं। लेकिन इस शेर को पूरी दुनिया में सुना जाता है। मेरे इमाम का ये शेर बहुत मशहूर है क्योंकि आजकल अगर कोई किसी की मदद करता है तो बताता है, सुनाता है कि फला फला ने इतना दे रखा है, उसके ऊपर एहसान जताता है। सुनो आला हजरत किस तरह लेके गए। दर पे गैरों के जहमत न फरमाइए, भीख लेने मदीने चले जाइए, कोई देता है तो सामने देने वाला है सच, जितना मिला है उतनी आवाज से देने वाला है सच। ये बुजुर्गों से कोई शिकायत नहीं है, जितने नौजवान हैं इनके अंदर बड़ी कैपेसिटी है। जरा दिल की आवाज से देने वाला है सच, देने वाला है सच्चा सुनो मेरे रसूल की शान क्या है। मैं कलाम पढ़ने के बाद पढ़ूंगा आपके मिजाज का। ये आला हजरत का कलाम है, मैं पेश कर रहा हूँ, एक शेर सुनिएगा। अब मेरे मुस्तफा की शान डबल बारह अपनी टेढ़ी-मेढ़ी उंगलियों से हुजूर की तरफ इशारा करते हैं। अब एक शेर आला हजरत का। वजह तख्ली के कौन है न खत्म रसूल हुजूर हैं क्या। वजह तख्ली के कौन है न खत्म रसूल हाकिमे जिन्नो इंसान मुख्तार कुल हाकिमे जिन्नो मुख्तार कुल वजह तख्ली के कौन ने खत्म रसूल हाकिमे जिन्नो इंसान खत्म रसूल हाकिमे जिन्नो इंसान खत्म रसूल वजह तख्ली के कौन ने खत्म रसूल हाकिमे जिन्नो इंसान मुख्तार कुल हाकिमे जिन्नो इंसान मुख्तार कुल। कितने खुश नसीब हैं हम और आप, आपके हुजूर की उम्मत में हैं, हुजूर की उम्मत में हैं। नबियों के सलाम आते हों जिसकी उम्मत के लिए, बड़े खुश नसीब हैं आप। मैं पेश कर रहा हूँ सुनिएगा। वजह तख्ली के कौन ने खत्म रसूल हाकिमे जिन्नो इंसान मुख्तार कुल गुलिस्ताने नबूवत का बेमिसल गुल खल्क से और रसूलों से आला हमारा नबी और रसूलों से आला अल्लाह पर हमारा नबी या रसूल हमारा नबी ये हमारे हजरत तशरीफ फरमाए हैं। ये बड़े बुजुर्ग हैं, इनके कदम-ए-नाज से जो धूल उड़ती है मैं उसे अपने सर का ताज बनाकर, क्योंकि ये बुजुर्ग हैं, अल्लाह इनकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। इनके दरमियान मैंने बोलना सीखा है, अगर मुझसे बोलने में या कहने में कोई गलती हो जाए तो अपना छोटा समझकर माजरत तलब। मुझे मालूम है आपका मिजाज। मैं पेश कर रहा हूं यहां से एक कलाम,
एक कलाम जो बिल्कुल अभी उसकी उम्र गालिबन एक दिन या दो दिन की है, अगर आप अच्छा सुन लेंगे तो मुझे मालूम है इंशाल्लाह बहुत आगे तक सुना जाएगा। पेश कर दूं, सुनेंगे।